मैं हूँ आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। करण जौहर ने अपनी किताब एन अनसुटेबल बॉय में काजोल और अपनी दोस्ती के टूटने पर काफी कुछ दो टुक बातें लिखी हैं। उनकी किताब अभी आई भी नहीं है, पर किताब का ये अंश मीडिया में हर जगह है। और जाहिर सी बात है कि जब बात काजोल की हो रही हो तो अजय देवगन कैसे चुप रहते हैं। तो उन्होंने भी अब अपना रिएक्शन इस पूरे मसले पर दे दिया है। अजय देवगन ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि लोग कृपया पुरानी इंटरव्यू छापना बंद करें, हर जवाब समय के हिसाब से होना चाहिए। गौरतलब है कि करण जौहर ने अपनी किताब में लिखा है कि काजोल के पति ने मेरे ऊपर घटिया सा इल्जाम लगाया और उसने इस बात पर रिएक्शन भी दिया। अजय देवगन ने अब ट्वीट करते हुए शायद लिखा है कि करण ने उस पुराने इंटरव्यू की बात अब जाकर की है, तब जवाब क्यों नहीं दिया। हम आपको याद दिला दें कि पिछले साल अजय देवगन की शिवाय और करण जौहर की यह दिल है मुश्किल बॉक्स ऑफिस में एक साथ एक ही दिन रिलीज हुई थी और फिल्म के प्रमोशन के दौरान बहुत सारी बातें हुई थी, पर एक बात ऐसी हो गई थी जिसने करण जौहर और काजोल की दोस्ती में डाल दी थी गहरी दरार। दरअसल मामला ये था कि एक टेप लीक हुआ था जिसमें कमाल अर खान कह रहे थे कि करण जौहर ने उसे 25 लाख दिए हैं ए दिल है मुश्किल की तारीफ करने के लिए। इसके बाद ये विवाद सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि करण और काजोल की बरसों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई थी और अब उसके बाद करण जौहर की किताब से लीक हुए ये अंश। खैर काजोल ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अब देखना ये होगा कि करण काजोल की ये फाइट खत्म होती है या लेती है एक दिलचस्प मोड़। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।